पीएमजीपी लोन और एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन से रिलेटेड वेरियस टाइप के वीडियोज़ आपने देखे एंड हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आपने लोन के लिए अप्लाई भी किया। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक मेजर क्वेश्चन था कि सर बताइए ना ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें, या आप ही कर दीजिए। देखिए इतना तो मुश्किल है हम लोगों से काम करना कि हम आपके सबके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ जहाँ मैं आपको बताऊँगा हाउ टू अप्लाई फॉर पीएमईजीपी लोन। ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कभी भी सस्ता के चक्कर में मत पड़ना। बगल वाला दे रहा है 150 में लेके आ गए कहीं से भी, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उस टाइप के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर लोन के लिए अप्लाई कीजिए और आपका एक झटके में लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लोन सही पास करवाना है तो आप myprojectreport.com से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज की टीम बैठी है आपके लिए मदद करने के लिए। एंड चूंकि आप हमारे चैनल से ही सारे लोग का इंक्वायरी जाता है तो हम आपको लोन मिलने तक का सपोर्ट करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिया जाएगा 3 महीने का फुल गारंटी के साथ दिया जाएगा। एक तो फुल मंथ का ये गारंटी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट होगा सवाल ही नहीं उठता है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आता है 3 महीने के अंदर में तो लोन पास हो ही जाना, कोई सा भी लोन हो। तो इसीलिए हमने समय ही ऐसा दिया कि आपका काम हो जाए, यानी कि जब तक आपको लोन नहीं मिलता तब तक हम आपको सपोर्ट देंगे। दूसरा हो गया कोई भी टाइप का चेंजेस करवाया बैंक ने, जैसे बोला उन्होंने कि टर्म लोन का अमाउंट कम कर दीजिए या इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या कैश क्रेडिट CCG इसको बोलते हैं उसका लिमिट बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। एक भी फिगर दाएं बाएं हुआ और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोबारा से बनाना पड़ता है। दूसरे लोग इसका चार्ज करते हैं, हम लोग इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही जगह से लीजिएगा तब जाकर आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला नंबर जो लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट हुआ उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा हो गया इसमें आपका MSME रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए। PMEGP में तो एकदम मैंडेटरी है, बिना इसके आपको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा हो गया इसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत सारे लोग बोले कि मेरे पास तो ITR है ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है ही नहीं, क्या करें। भरवा लीजिए, अभी भरवा सकते हैं आप लोग, 1 साल का तो आराम से भरा जाएगा। मिनिमम 2 से 3 साल का मांगता है, लेकिन कम से कम कुछ तो हो, 1 साल 2 साल के भी ITR में बैंक मान जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। इसके बाद हो गया आपका 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट। इसके बाद हो गया आपका आधार हो गया, पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, जहाँ भी आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या बिजनेस लगाने जा रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ हो गया। ये सारा चीज़ लेकर आपको बैंक में जमा करना है। और PMEGP स्कीम है तो यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक DIC ऑफिस होता है, उसको हिंदी में जिला उद्योग केंद्र बोलते हैं, वहाँ भी आपको जाकर जमा करना है और ऑनलाइन फॉर्म तो आपको भरना ही है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ लोगों का आदत होता है वीडियो पूरा देखे बगैर स्किप करके भाग जाते हैं। तो ये रहा आपका वेबसाइट, ध्यान दीजिए वेबसाइट का नाम क्या है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्च करेंगे PMEGP लोन अप्लाई, यही कीवर्ड है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे भारत सरकार का वेबसाइट आ जाएगा, उसका नाम है kviconline.gov.in। ये सरकारी वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट पर आप लोग मत अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे लोग गलत जगह डेटा दे के चले जाते हैं एंड बाद में उनके साथ गलत हो जाता है। तो ये सरकारी वेबसाइट है, देख लीजिए gov.in, ये भारत सरकार का वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहना चाहिए। सबसे पहले इसमें मांग क्या रहा है, आधार कार्ड नंबर, तो ये सब तो डालना आसान बात है, डाल दीजिएगा। दूसरा हो गया नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आधार, ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें कैपिटल लेटर से लिखें कि स्मॉल लेटर या कुछ मिला के लिख दें, चलेगा कैसे भी चलेगा, वैसे बेहतर होगा कि आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका प्रायोजक एजेंसी, ये कौन सा एजेंसी होता है, DIC ऑफिस, आप DIC ऑफिस के थ्रू लोन लेंगे ना, तो यहाँ पे DIC ऑफिस मेंशन करना है। कौन से जिला में आप भरने जा रहे हैं, तो पहले तो आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा जिला से आप भरने के लिए जा रहे हैं तो उसका नाम भी आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप ये सारा डिटेल देंगे तो ये देखिए आपके DIC ऑफिस का एड्रेस बता दिया। आप जिस भी स्टेट में जिस भी जिला का आप नाम डालेंगे तो वहाँ पे आपका सारा डिटेल डाल देगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये नाम आ गया। नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूँ लीगल टाइप क्या है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सोशल कैटेगरी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप कोई भी कैटेगरी अगर आप डाल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जनरल वालों को छोड़ के
सारे लोग जो भी आए वो सारे लोगों को सब्सिडी मिल रहा है। किसको किसको मिल रहा है वो ध्यान दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में मुस्लिम भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं, सिख लोग भी आते हैं। जो माइनॉरिटी के सेक्शन के लोग हैं वो सारे लोग आएंगे, ठीक है। जो भी आप डालेंगे उससे रिलेटेड प्रूफ ये मांगेगा तो वो पहले आपके पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ डाल देनी है। शैक्षणिक योग्यता आप देख लेना, जो भी 8वीं पास मिनिमम होनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आते हैं कि क्या करें, 10th ही पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, 8वीं पास होनी चाहिए। अब आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस उसको बोलते हैं जहाँ पर आपको चिट्ठी या इस टाइप का पत्राचार होगा, हिंदी में पत्राचार बोलते हैं, तो उस एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस बोला जाता है, वो आपको डाल देना है। दूसरा हो गया यूनिट का स्थान, यूनिट माने जहाँ भी आप प्लांट वगैरह लगाने के लिए जा रहे हैं, वो रूरल में है कि अर्बन में है, माने शहर में है कि देहात में है। रूरल माने गांव देहात, अर्बन माने शहर। तो आप जो अलग अलग आप ये डालिएगा, ठीक है, अलग अलग अगर आप डालेंगे तो आपको अलग अलग इस तरीके का चीज़ें मिल जाएंगी। प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, जहाँ भी आप फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं उसका एड्रेस डालिए। नेक्स्ट हो गया इसमें टाइप ऑफ एक्टिविटी, कौन सा आप काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, ध्यान दीजिए, 3 टाइप के लिए आपको PMEGP का लोन मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, ट्रेडिंग के लिए 10 लाख, सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले ही सिर्फ 25 लाख का फ़ायदा ले सकते हैं, बाद बाकी 10 लाख तक का। ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, ये मैंने पुराने वीडियोस में बताए हैं, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इसमें आता है EDP का ट्रेनिंग आपने किया है। EDP एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको इसी बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो क्या आपने किया है? नहीं किया तो नो कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है हाँ करना, नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो कोई आपको बुराई नहीं है, आपको सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हो गया प्रोजेक्ट कॉस्ट की लागत क्या है, अब ये आप कैसे बता पाओगे। वर्किंग कैपिटल क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप कुछ नहीं बता सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अपने मन से इसमें कुछ भी मत लिखिएगा, अदरवाइज ये जो एप्लीकेशन वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपको एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना होना चाहिए, एंड जो चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज बैठ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ वही प्रोजेक्ट चलेगा, उस पर साइन होना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है सर CA सर्टिफाइड होना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे CA साइन अब नहीं करता है, बनाता CA से ही है, साइन कोई नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, बिना उसके भी काम चलता है, नियम बना हुआ है इंस्टीट्यूट का, इसलिए फॉलो करना है। नेक्स्ट हो गया आपका, देखिए इसमें दो बैंक के थ्रू आप सेम लोन को अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला कौन सा बैंक है उसका नाम डालिए, ठीक है, इसका डिटेल आपको डालना होगा। अब बोलेंगे कि अरे सर IFSC कोड तो मिल ही नहीं रहा है, ऑनलाइन आप सर्च कर लो ना, इलाहाबाद जहाँ भी आपने बैंक का नाम डाला, जिस भी स्टेट से आप हैं, जिस भी शहर से आप हैं, जिस भी इलाके से हैं, वहाँ का नाम डाल के आप सर्च जब करेंगे IFSC कोड, बैंक कोड, तो आपको मिल जाएगा। IFSC कोड, IFSC कोड अलग अलग होता है। ब्रांच नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब डाल देना। दूसरा हो गया ऑल्टरनेट बैंक नंबर, दो बैंक का डिटेल मांगता है, ये इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसका भी IFSC कोड आपको डाल देना है। वांट टू अवेल CGTMSE में आपको करना है, नो। नेक्स्ट हो गया वेयर डिड यू हेयर अबाउट PMEGP, तो लिख देना अवेयरनेस कैंप ये वो, ठीक है। सोशल मीडिया आप डाल सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया से ही आपने देखा हो। ये सारा चीज करने के बाद आपको कर लेना है सेव। अब बारी आती है इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अभी इसमें चूंकि मैंने भरा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लगेगा, ध्यान से सुनिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करेंगे उसका जो फाइल का साइज है 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर फाइल का साइज ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, तो गूगल पे जाकर फाइल को कंप्रेस करने का सॉफ्टवेयर आता है, ऑनलाइन हो जाता है, उसमें डालना है, क्लिक करना है, फाइल का साइज कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने जो भी इसमें डिटेल डाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। पैन हो गया, आधार हो गया, आपका अपना फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसीलिए मैं बोला कि यहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अपने मन से आप कुछ भी लिख दीजिएगा और आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेकआउट करने के लिए भी वहाँ पर भी CA CS बैठे हुए हैं, तो इसीलिए सही डॉक्यूमेंट दोगे तो आपका लोन पास होगा, तो वो आपको अपलोड करना है। मेजर डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ अपलोड करना, वहाँ पे अपना जांच हो जाएगा। ये सारा चीज़ करने के बाद आपको ओके कर देना है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको आपको सिंपली क्लिक करना है, फाइल का PDF का सारा फाइल बना लेना है, उसमें आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे
तो उसके बाद आपको वेट करना होता है। लगभग आपको कम से कम एक महीना से डेढ़ महीना आपको मिनिमम वेट करना होगा। इतना दिन के बाद क्या होगा, तो जो केवीआईसी बोर्ड के लोग हैं, ये बेसिकली केवीआईसी के थ्रू आपको लोन मिलता है खादी इंडिया, तो यहाँ से आपका स्टेट लेवल पे एक केवीआईसी होता है। तो जो केवीआईसी बोर्ड मीटिंग करके कैंडिडेट के लिस्ट को वो छांटती है और एक एक करके कैंडिडेट को अप्रूवल दे देती हैं। तो आपका नाम अप्रूव जैसे ही हो जाएगा, तो जो भी आपने बैंक के यहाँ पे नाम डाले हुए थे, इन दोनों बैंक में से किसी एक बैंक में आपका नाम जाएगा, उस बैंक के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपने डाला है यहाँ पे, ऑनलाइन डिपॉजिट किया है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको डीआईसी ऑफिस में फिजिकल जमा करना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये एप्लीकेशन मान्य नहीं होता है। तो वहाँ पर भी आपको केवीआईसी में भी जमा कर देना है, डीआईसी ऑफिस में, ठीक है, या अगर आप स्टेट लेवल पर करें तो केवीआईसी के डायरेक्ट ऑफिस में भी आप जमा कर सकते हैं। वहाँ पर जमा करने के बाद सेम चीज़ आपको बैंक में जाकर जमा करना होगा जब बैंक आपको बुलाएगी। फिर वहाँ पर बैंक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। कुछ लोग का होता है कि सर सिविल चेक होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल सिविल चेक होता है। एंड पीएमईजीपी स्कीम में लोन सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए ही मिलता है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस पर लोन लेने का गलती मत कीजिएगा, वैसे भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर में लोन का जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। कुछ लोग अब बोलते हैं कि हमको तो लोन मिला ही नहीं। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं लेके गए थे, कहीं से भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लिया, कहीं से भी आपने कुछ भी करवा के ले लिया, अब बैंक वाला कई बार वो रिजेक्ट कर देता। तो आप डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोसेस सही करिए एंड बैंक में जाइए, आपको लोन मिलेगा, 100% मिलेगा। हमारे थ्रू ही कितने लोगों को लोन मिला है, और बात बाकी आपके अपने बिहेवियर पर भी मैटर करता है। जैसे अगर आप बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल वे में आप बात करो, अब ये नहीं कि लग गए उस पर चढ़ने और तो उस तरीके से आप बात करेंगे ना, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। वो देखता भी है कि कैंडिडेट कैसा है जिसको हम लोन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखकर जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन 100% मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो लोग तो कमीशन मांगते हैं, कुछ लोग ये मांगते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं क्या दूँ, अब जो है सो है, आप लोग जान रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये सब जगह काम करता है। बट हाँ, बुराई तो सब जगह है, तो वो आपको अपने एंड से मैनेज करना है। अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हो तो आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पहला स्टेप तो यही है। बिजनेस में भी आपसे कई बार लोग इस तरीके का फिरौती मांगते हैं, कई बार आपसे वो गुंडा चार्ज मांगते हैं, तो क्या करोगे, किसको कंप्लेन करोगे? आपको मैनेज करना होगा ना, बिजनेस मैनेज करने का नाम होता है, कंप्लेन करने का नहीं। तो बैंक में भी आप जब लोन लेने के लिए जाइए तो मैनेज करना सीखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए, तब जाकर आपको लोन मिलेगा। हर वे में आपको रास्ता अपनाना है, लीगल रास्ता भी अपनाना है एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को भी ध्यान में रखना, तब जाकर आपका लोन मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया पीएमईजीपी लोन कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों नहीं लोन मिलता है, क्यों लोन मिल सकता है, क्या क्या आपको करना होगा, इन सारे डिटेल्स को फॉलो करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस स्कीम से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियोज भी बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो myprojectreport.com पे आप संपर्क कीजिए, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।